यानी आपको लग रहा है ये संजय सिंह उर्फ टप्पू जो हैं वो यहाँ पर जो है यहाँ पर मजबूत सबसे मजबूत कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं? अजय सिंह टप्पू एक चूंकि लोकल लोकल राजनीति में उनका प्रभाव ज्यादा है और वो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में चाहे उनके बड़े भाई विनय कुमार सिंह भाजपा के बड़े नेता हुआ करते थे और एक सौम्य पर्सनालिटी थे। दुर्भाग्य से उनका समय निधन हो गया था तो कुछ उनकी सहानुभूति दूसरे अजय सिंह टप्पू का क्षेत्र में बराबर बना रहना और तीसरा वो बंधु सिंह के परिवार से आना उनके लिए प्लस हो रहा है। ठीक केसी जैन और केडी यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केसी जैन साहब अब मेरा ऑडियो आ रहा है सर आपको? सर मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अगर मैं गोरखपुर मंडल का जिक्र करूं जो कि सियासत का केंद्र है और पिछले 5 साल से सियासत का केंद्र है, क्या ये मुकाबला एक हिंदूवादी छवि, एक हिंदुत्व का एजेंडा, एक आक्रामक रणनीति के हिसाब से चुनाव को लड़ना, क्या योगी आदित्यनाथ का भी ये लिटमस टेस्ट है कि नहीं? आपको क्या लगता है? देखिए आप मान्य को मान सकते हैं क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ से पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक का इलेक्शन पहली बार लड़ रहे हैं, इसके पहले वो सांसद रहे। और दूसरी बात ये कि देखिए 5 साल तक जो काम किया है तो हमें लगता है लिटमस टेस्ट क्या पूरे प्रदेश में जो जनता जिस प्रकार से जनता वोटिंग कर रही है लगातार पहले चरण से लेकर पांच चरण तक लगातार हम बढ़त बना रहे हैं। और जो इन पिछली बार जो 46 सीटें मिली थी इन 57 सीटों पे और हमें लगता है कि 55+ सीटें लेकर के इस बार आएंगी। और रही बात आप गोरखपुर मंडल की खास करके जो आप बात कर रहे हैं तो इसमें गोरखपुर मंडल में जो भी जिले आते हैं जितनी भी सीटें हैं वहां पर देखिए कहीं पर भी अगर कोई सामने है तो केवल समाजवादी पार्टी है, बाकी कांग्रेस और बीएसपी तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है। और समाजवादी पार्टी भी कहीं पर भी मुद्दों के आधार पर कोई चुनाव नहीं लड़ रही है। अभी तक जो कह रहे थे मुद्दों के आधार पर चुनाव, अभी हम चर्चा कर रहे थे, हमारी वॉइस आपको नहीं मिल पा रही थी कि गोरखपुर में जिस प्रकार से इंसेफेलाइटिस की बीमारी और बच्चों की जिस प्रकार से मौतें होती थी पहले, इन पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में उस तरीके की घटनाएं नहीं हुई, तो ये कार्य करने का तरीका भी जनता ने देखा है। और अभी माननीय मोदी जी गए थे गोरखपुर में, खास करके उन्होंने खाद का बंद कारखाना वहां पर जिस प्रकार से शुरू किया और मेडिकल की सुविधाओं का जिस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की, तो ये सारी चीजें देखी है। और जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है उसको भी देखा है, इसके पहले जो एक्सप्रेस वे बने हैं उनके घोटाले भी जनता ने देखे। अब तो अच्छा केडी यादव जी क्या सिर्फ और सिर्फ मंदिर के कैसी जान जी कह रहे हैं, केसी जैन जी कह रहे हैं कि इतिहास गवाह है, आपके घोटाले भी देखे, सब कुछ भी देखा, आपके सपने सपने रह जाएंगे, आप गोरखपुर नहीं जीत पाएंगे ये मान लीजिए, क्यों जीत कर रहे हैं आप? जो कह रहे हैं क्योंकि उन लोगों का रटा रटा है, उनका ये शब्द है क्योंकि आज जिस तरह तो अभी आप बात कर रहे हैं तो माता पिता मान लीजिए क्षेत्र में जो आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय है उनका हमारे ही जनपद में वो लोग फर्जी तरह से टीचरों की पूरा यहाँ पे नौजवानों में बड़ा क्रोध था, अब हम बेरोजगार हैं। इसके बाद भी ये इनके इनके मंत्री जो है जबरदस्ती में आकर करके बैठ करके उन्होंने नियुक्ति करवाया था, इसके बाद हाई कोर्ट से लेकर के शासन से उसका वापस लिया, इससे बड़ा घोटाला और क्या हो सकता है। और इसके बाद इन लोगों ने जो नौजवानों से और किसानों से और जनता से जो वादा किया था एक ही काम कर दिया, नहीं जनता उसी का सबक उठा रहे आज के बुद्ध पे जा रही है और इन लोगों को ठीक करने का भी काम करेगी हरा करके और समाजवादी सरकार बना करके ही काम लेगी चुना। और आप गोरखपुर की बात कर रहे हैं, गोरखपुर में जो अभी चौरी चौरा की बात कर रही थी, चौरी चौरा में तो समाजवादी पार्टी एक तरफा जीत रही जा रही है क्योंकि जो नाराज होकर के बीजेपी के ही है वो हमारे से भी अच्छा कर भाई, वो तो अपने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हिसाब की लड़ाई पता भी चाहिए, जो हमेशा काम किया है उस पर टिकट न देकर के ऐसे लोगों को भी दिया जाएगा जो केवल सौदेबाजी किए हैं और सौदेबाजी में विकास तमाम को भी ठगे हैं और जो उनके कोर जो उनके कोर वोट पर थे जो नेता थे भाजपा के उनको भी बेचारे बहुत परेशान होकर के अब केवल उन लोगों को भी सबक सिखाए तो पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उनका। अच्छा तो यानी आप गोरखपुर में भी बहुत जाएगा। अच्छा गोरखपुर में आप जीतने जा रहे हैं, आपको ये उम्मीद है गोरखपुर मंडल में?
एकदम गोरखपुर मंडल में आपका महराजगंज में भाजपा का पूरा राष्ट्र बड़ा सत्ता पोरे जा रहा है, और वही हालत आपके गोरखपुर मंडल दो जनपद है महराजगंज और गोरखपुर, बहुत शानदार सी समाजवादी जीतने जा रहे हैं, जबकि योगी जी का वो घर है जनपद है, इसके बाद भी जनता उनसे उग चुकी है और उगने के साथ साथ हम समाज के लोग अब की बार बदलाव देख रहे हैं गोरखपुर पूरे मंडल में। कैसी जैन जी तो बता रहे थे मुझे कि वो सबसे ज्यादा ऐतिहासिक वोटों की जीत जो है वो वहीं से होगी, योगी जी के गढ़ से। देखिए योगी जी के गढ़ से तो उस समय भी जब योगी जी क्या चुकी हुआ करते थे, हम लोगों ने वहां से एमपी उनके जहां घर है जहां से लड़ते थे चुनाव जीती थी, और इसके बाद आज भी वही हालत है कि जो स्थिति पैदा किए है आज प्रदेश। ओके केसी जैन जी, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, मैं जल्दी से आप जल्दी से केसी जैन जी, केडी यादव जी कह रहे हैं कि भाई अगर इतने ही बड़े चेहरे थे तो पहले ही मठ में क्यों भेज दिया उनको, लड़वा लेते अयोध्या, सर्वमान्य चेहरे थे ना योगी जी तो लड़वा लेते अयोध्या, क्या दिक्कत थी? देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, इसको एक तरफ ये बता रहे हैं कि वो गढ़ है और ये बता रहे हैं कि वहां पर भी हरा रहे हैं, तो जब ये वहां पर भी हरा रहे हैं योगी जी को तो अयोध्या से रहते या कहीं से रहते उससे कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात ये है कि अयोध्या भी हम जीत रहे हैं, ऐसा नहीं कि अयोध्या में कोई हमारी चीज, अयोध्या में जिनको एक कमजोर प्रत्याशी मान रहे हैं योगी जी को मजबूत प्रत्याशी मान रहे थे, तो हमारे जो प्रत्याशी अयोध्या से है वहां से भी हम जीत रहे हैं। दूसरी बात ये करहल से अखिलेश यादव जी स्वयं भी याद रहे और ये करहल में गिर करके रह गए, इन्होंने एसपी सिंह बघेल के ऊपर हमला भी कराया, आज जानकारी मिल रही सूचना मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और जो बलिया से प्रत्याशी है दयाशंकर सिंह जी पर भी हमला किया है समाजवादी पार्टी के लोगों ने, तो ये इनको हमला कराने की आवश्यकता क्या है? लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है, लोकतांत्रिक माध्यम से हम लोग चुनाव में उतरे हैं, तो हमला कराने की क्या आवश्यकता है? ये इनकी भड़ास और हताशा दिखाई दे रही है जो ये जगह जगह पे हमला करवा रहे हैं। नहीं हमला जगह जगह पे कल तो ममता बनर्जी, कल तो ममता बनर्जी को भी काले झंडे दिखाए ना, कल ममता बनर्जी को भी काले झंडे दिखाए गए, स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी सवाल उठाए गए कि भैया उन पर भी सियासी हमला हुआ। मैं आ रहा हूँ केडी यादव जी आपके पास भी इस पूरे सवाल को लेकर कि कौन सी देखिए हमला होने के साथ साथ क्या है कि हमला तो कर ही रहे, साथ साथ ये हर एक बूथ पे हर एक चुनाव में पहले से हो हल्ला बचा रहे कि नहीं आप पोलिंग नहीं करने दिया, यहाँ लाठीचार्ज हो गई, यहाँ वोट नहीं डालने दे रही है। अरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, पूरा चुनाव आयोग है, आप लगातार पहले से हो हल्ला बचा रहे। ठीक, मेरे पास इलेक्शन कंट्रोल रूम गोरखपुर से कुछ आंकड़े आए हैं। केसी जैन साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, फिर केडी यादव जी आपके पास भी आ रहा हूँ सवाल लेकर, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कंट्रोल रूम के आंकड़े जरा प्लीज प्ले करिए पीसीआर, और ये आंकड़े मैं आपको बता दूं कि ये आंकड़े 1 बजे तक के हैं, जो कि 1 बजे तक वोट प्रतिशत जो है वो पूरे गोरखपुर जनपद का मैं जिक्र करूं तो पूरे गोरखपुर जनपद में कुल मिलाकर 37% के आसपास मतदान हो चुका है। अगर बात कंपेयरगंज की करें तो लगभग 40% मतदान, पिपराइज की करें तो लगभग 40% मतदान, गोरखपुर शहर का जिक्र करें तो लगभग 32% मतदान, गोरखपुर ग्रामीण का जिक्र करें तो लगभग 36% मतदान, अगर बात सहजनावा की करें तो लगभग 38% मतदान, खजनी की बात करें तो 36% मतदान, चोरा चोरा की बात करें तो चोरी चोरा में लगभग 39% मतदान हुआ है, और बांसगांव में लगभग 34% मतदान, चिल्लू पार में लगभग 38% मतदान हुआ है, और पूरे गोरखपुर में लगभग 37% मतदान हुआ है। ये 1 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। केडी यादव जी, पहले ही आप केसी जैन जी को बता दीजिए, केडी यादव जी मेरा ऑडियो आ रहा ना, केडी यादव जी केडी यादव जी को तक ऑडियो नहीं जा रहा, लेकिन यहां पर ये जो नहीं जा रहा, आ रहा है केडी यादव जी। अब केसी जैन जी कह रहे हैं कि आप पहले केडी यादव जी से पूछ लीजिए ईवीएम ठीक है या खराब है। देखिए ईवीएम का तो जो मामला है उसको देखा है। केडी यादव जी नेटवर्क समस्या आ रही है, कनेक्ट करते हैं आपको, लेकिन यहां पूरे के पूरे इन आंकड़ों को देख के सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर वोट प्रतिशत ज्यादा हुआ तो वो किसके पक्ष में होगा। रत्नाकर जी, क्या
क्या संकेत मिल रहे हैं? शुरुआत में 1 बजे तक के ये आंकड़े मैं दिखा रहा हूं। जी आपका जी एक बार प्रश्न फिर से प्रश्न करें। मैं कह रहा हूं ये आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं? गोरखपुर जिले का मैं जिक्र करूं तो लगभग जो है वो 37% आसपास मतदान 1 बजे तक हो चुका है और कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर 40% के पार जा चुका है मतदान और अभी सिर्फ 1 बजा है। शुभ संकेत जी। लोकतंत्र के लिए तो निश्चित शुभ संकेत है ये। किसके लिए खतरे की घंटी? लोकतंत्र में जितने अधिक लोग अपने इस मताधिकार का प्रयोग करेंगे वह एक अस्थायी सरकार के लिए, सबके रिप्रेजेंटेटिव सरकार के लिए बहुत आवश्यक है। और मैंने अभी कहा भी था कि जब वोट प्रतिशत ज्यादा बढ़ता है तो थोड़ा सा पिछले चुनाव को भी हम लोग देखते हैं जो तमाम बार चुनाव कवर किया कि अगर जब बढ़ा है प्रतिशत तो थोड़ा सा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ है क्योंकि उसके मतदाता बहुत ज्यादा निकलते नहीं है। लेकिन इस बार का जो नगर नगर क्षेत्र में अभी बात हो रही थी गोरखपुर में क्लीन स्वीप तो किसी की नहीं नजर आ रही है मुझे। योगी आदित्यनाथ के लिटमस टेस्ट तो मैं नहीं मानूंगा क्योंकि नगर विधानसभा जहां से वो लड़ रहे हैं उनकी जीत पूरी तरह से सुनिश्चित है और लगभग सारे दलों ने जिस तरह के कैंडिडेट दिए हैं वो उनकी जीत। लेकिन निश्चित तौर पर उन गोरखपुर नगर से सटे हुई गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में भी एक कठिन लड़ाई नजर आ रही है। फिर गोरखपुर से सटे सजनवा हुआ या पिपराइच हुआ यहां भी। और अगर मैं भाजपा के अंदरूनी सूत्रों की भी बात देखूं तो इन सीटों को वो भी एक कठिन संघर्ष वाली सीट मानते न रहे। हाँ, कैंपियरगंज की सीट जो फतेह बहादुर सिंह लड़ रहे हैं तो उनके साथ उनके पिताजी स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी का भी नाम चलता है तो वो सीट ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निकाल ले जाएगी और गोरखपुर नगर की। लेकिन बाकी की सीटों पर संघर्ष तो होगा ही होगा। या 1917 संघर्ष आपको दिखाई दे रहा है? ओके, ओके।